नमस्कार साथियों साथियों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी 2024 नए साल का दूसरा महीना कैसा रहने वाला है, आज इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलती रहे। साथियों, मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल जो है वो व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है, आत्मविश्वास पैदा करता है। मंगल अगर आपका शुभ है तो निश्चित मानकर चलें आपको भूमि भवन का लाभ दिलाता है। मंगल अगर अच्छा है तो आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। मंगल अगर जीवन में है तो अमंगल नहीं होने देता, शत्रु के षड्यंत्रों को नाकामयाब करता है और सफलताएं जीवन में दिलाता है। मंगल चूंकि मेष राशि का स्वामी है, फरवरी का माह है और मंगल जो है 5 फरवरी को अपना राश परिवर्तन करने जा रहे हैं। 10वें भाव में अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो मकर राशि में मंगल का प्रवेश निश्चित मानकर चलें 5 फरवरी को जो होने जा रहा है। मेष राशि के जातकों का स्वामी भी चूंकि मंगल है तो बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। क्या देने वाला है इस वीडियो में बताएंगे। महीने की शुरुआत में ही 1 फरवरी को बुध जो है वो भी मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यह बहुत शुभ संदेह है क्योंकि मकर राशि में बुध का प्रवेश पहले से ही राहु सूर्यदेव विराजमान है, इसलिए यहाँ पर दशम भाव में बुध अद्वितीय योग का निर्माण करेंगे जो आर्थिक स्थिति को तो मजबूत करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको व्यापार और नौकरी में भी सफलताएं प्रदान करेंगी। ऐसी स्थितियां आपके लिए 5 फरवरी से बनेंगी, 1 फरवरी की शुरुआत से ही बनेगी ऐसा मानकर चलें। आपका यहाँ पर मंगल जवर है, उच्च का है और बुध अद्वितीय योग जब 1 तारीख से ही यानी कि माह की शुरुआत से ही बनेगा, वो भी दशम भाव पे आपके कर्म भाव पे बहुत बड़ा लाभ देगा। 11 फरवरी को शुक्र भी मकर राशि में आ जाएंगे और शुक्र चूंकि आपको सुख वैभव उन्नति कैसा भी जो ऐश्वर्य है सुख है लग्जीरियस लाइफ है वो शुक्र के द्वारा ही प्राप्त होती है, तो वो सारी सुविधाएं फरवरी माह में आपको प्राप्त होंगी। 13 फरवरी को रवि जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 11वें भाव पे आपके गोचर करेंगे 13 फरवरी से और कुंभ राशि में शनि देव भी विराजमान है, तो यहाँ पर शनि और रवि की युति बनेगी और शनि और रवि की यह जो युति है वैसे तो इन दोनों में आपस में पटता नहीं है। जहाँ शनि आपको लाभ देने की स्थिति में होंगे वहीं सूर्यदेव आपको हानि पहुँचा सकते हैं। वैसे तो 11वें भाव में सभी ग्रह शुभ परिणाम देते हैं लेकिन स्थितियाँ कुछ ऐसी हो सकती हैं कि आपको जो आप उम्मीद करके बैठे हैं वो आपको लाभ उन स्थितियों में नहीं मिले, लेकिन चूंकि गुरु आपका प्रथम भाव में गोचर कर रहा है और सप्तम भाव को देख रहा है तो इसलिए स्थितियां आपके अनुकूल बनी रहेंगी क्योंकि अन्य ग्रहों के भी गोचर आपको शुभ अशुभ फलों को समाप्त करते हैं और शुभ फल की आपको प्राप्ति कराते हैं। सप्तम भाव में चूंकि दृष्टि गुरु की पड़ रही है इसलिए कार्य और व्यापार दोनों में उन्नति प्राप्त होगी। यहीं आपको 12वें भाव में राहु जो है बैठे हुए हैं, 12वें भाव में राहु 5वीं दृष्टि से 4थे भाव को देख रहे हैं, तो भाइयों से परिवार से माता से निश्चित मानकर चले आपको लाभ प्राप्त होगा। व्यापारिक लाभ की बात करें तो आपका जो अगर विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार है तो उसमें आपको उन्नति और लाभ की स्थितियां बहुत बढ़ेंगी। कैरियर नौकरी जॉब सारी आपकी फरवरी माह में प्राप्त होने के योग हैं। अगर आप नौकरी पर हैं तो निश्चित मानकर चले 6वें भाव में केतु और अन्य ग्रहों का गोचर होने की वजह से आपके स्थानांतरण के भी योग बने हुए हैं।
स्थानांतरण आपको मन चाही जगह पर भले ही ना मिले, लेकिन स्थितियां ऐसी होंगी कि यह स्थानांतरण आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि राहु का 12वें भाव में गोचर करना, 6वें भाव में केतु का गोचर करना और ऐसे में स्थानांतरण का योग आ जाना, मन चाहा है तो ठीक है, नहीं भी मन चाहा है तो भी लाभ की स्थितियां आपके लिए दे सकता है आने वाले 18 महीनों तक, यानी कि 1.5 साल तक लगभग आपको बहुत अच्छे शुभ परिणाम उस स्थानांतरण योग के प्राप्त होने वाले हैं, जहां लाभ की स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। मकर उच्च राशि में हैं तो मंगल जो है आपकी राशि के स्वामी हैं, उच्च में बैठे हुए हैं, तो निश्चित मानकर चलें आपके जो सोचे हुए कार्य हैं भूमि भवन वाहन के वो सब पूर्ण होने के होंगे, क्योंकि मंगल सप्तम भाव से जो है आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है जो भूमि भवन वाहन के सुख देता है, तो ऐसे में स्थितियां जो है आपके अनुकूल बनी हुई हैं। साथ ही साथ बुध जो है वो 11वें भाव में 19 फरवरी को फिर से परिवर्तन करेंगे, बुध दो बार राशि परिवर्तन अपना करने जा रहे हैं इस माह, तो बुध का राशि परिवर्तन जब होगा तो फिर से रवि और बुध की युति आपके 11वें भाव पे होगी, तो शनि चूंकि लाभ देने की स्थिति में पहले से ही थे, शनि सूर्य की युति आपको जो हानि देने वाली थी वो 19 फरवरी से आपको लाभ के योग, आय बढ़ने के योग, आमदनी के योग और बहुत तरीके के फायदे आपको फरवरी माह में प्राप्त होने वाले हैं। कहने का तात्पर्य है कि थोड़ा सा सिर में और पीठ के पीछे यह थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेके प्रॉब्लम आपको जरूर हो सकती है, इसलिए रेस्ट रखें दिमाग का और शरीर का तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा साबित होगा, बाकी स्वास्थ्य को लेकर कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं होने वाली। और उपाय बताने जा रहे हैं, उपाय अगर कर लें तो निश्चित रूप से मानकर चलें कि आपको लाभ प्राप्त होगा। उपाय में बहुत छोटा सा उपाय है, आसान उपाय है, सरल उपाय है, बहुत खर्चीला उपाय भी नहीं है, करने से निश्चित मानकर चलें कि लाभ होने की स्थितियां आपके लिए बनी रहेंगी। आपको करना क्या है कि एक लाल धागा लेना है और अपने पुरुष हैं तो बाएं हाथ में, पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में और स्त्री है तो बाएं हाथ में जरूर बांध लें। इससे आपकी बहुत ढेर सारी समस्याओं का तो समाधान होगा ही होगा, बल्कि आपके लिए ये सुरक्षा चक्र का काम करेगा। आप अगर नौकरी की तलाश में हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत बड़ी समस्या से घिरे हुए हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करें कि अपने सिर पर कैप लगाना शुरू कर दें। फरवरी माह में सिर पर अपने कैप रखें, कैप इतना काफ़ी होगा आपकी सफलता का सबसे बड़ा। अगर आप सिर पर एक कैप पगड़ी रखेंगे फरवरी माह में और एक लाल धागा अपने बाएं हाथ में, स्त्रियां हैं तो बांधें, दाहिने हाथ में हैं तो पुरुष बांधें, हाँ स्त्री हैं तो पुरुष कैप धारण करें, पगड़ी धारण करें, और स्त्रियां हैं तो अगर विवाह नहीं हुआ है तो चुनरी अपने सर पर रखें, और विवाहित हैं तो अपना जो पल्लू है, आंचल है, उसको भी सिर पर रख सकती हैं। इससे बहुत बड़ा उन्हें बेनिफिट्स होगा और लाभ होगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।